तो फ्रेंड्स टाइम हुआ है दिन के 4 बजे हैं अभी, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड जो हमारे 165 वाट के सोलर पैनल है, टोटल 6 सोलर पैनल हमारे लगे हुए हैं और दो दो पैनल की हमने सीरीज कर रखी है। इस प्रकार 3 सीरीज कॉम्बिनेशन है, 330 330 और 330 वाट के पैनल हो गए दो दो की सीरीज करके 165 वाट की। ये हमारा 1 किलो वाट का सोलर सिस्टम है और टाइम हुआ है दिन के 4 बजे। और फ्रेंड आज है 8 मार्च है फ्रेंड अभी, और फ्रेंड इसकी हम परफॉर्मेंस देखने वाले हैं पूरी की पूरी की, कैसा काम कर रहा है, कितने वोल्टेज दे रहा है, कितने एम्पियर दे रहा है। और कल रात को बरसात भी हुई थी तो फ्रेंड उसके कारण क्या है, थोड़ा यहाँ पे जो सूरज है वो इतना प्रॉपर नहीं निकल पा रहा है। तो पूरी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा मैं आपको, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो में एंड तक बने रहना है। साथ ही आपको कमेंट करना है वीडियो में कि आपका सोलर सिस्टम कितने वाट का आपने लगाया हुआ है और कितने एम्पियर दे रहा है। और यदि फ्रेंड आपका कोई क्वेश्चन है, आप यदि कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का प्लस टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे उस ग्रुप में जाके आप आपका क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों टाइम हुआ है दिन के 4 बजे हैं, और फ्रेंड कल रात को भी बरसात हुई थी तो फ्रेंड उसके कारण धूप ज़्यादा अच्छे से नहीं निकल पा रही है, और टाइम हुआ है दिन के 4 बजे। तो फ्रेंड इसकी हम लाइव परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं UTL गामा प्लस की। देखिए यहाँ पे 28% लोड चल रहा है फ्रेंड, अभी करंट में 28% लोड चल रहा है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड आप 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आउटपुट है, 219 वोल्ट आउटपुट में दे रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे देखिए फ्रेंड अभी 0 एम्पियर। देखिए बैटरी ऑन है, यहाँ पे 0 एम्पियर हमारी बैटरी में जा रहे हैं, मतलब जितने भी एनर्जी सोलर पैनल से आ रही है उससे डायरेक्ट लोड चल रहा है, और बैटरी भी हमारी डिस्चार्ज हो रही है तो कुछ ना कुछ एम्पियर ये बैटरी से भी ले रहा होगा लोड चलाने के लिए। देखिए बैटरी का वोल्टेज है फ्रेंड, हमारी बैटरी का वोल्टेज है 12.5 वोल्ट। देखिए यहाँ पे जो मेंस है देखिए ऑफ है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है मेन अभी ऑफ है, और यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे मेंस की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज़ है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है अभी। और यहाँ पे देखिए मेंस का वोल्टेज भी 0 है क्योंकि मेंस अभी नहीं आ रही है। आगे देखिए फ्रेंड यहाँ पे 570.6 यूनिट इस सोलर सिस्टम से लगभग अभी तक हम सेव कर चुके हैं, और यहाँ पे देखिए बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है आप देख पा रहे हो कंटिन्यू। और आगे देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे देखिए सोलर पैनल से 9.4 एम्पियर आ रहे हैं, देखिए SPV से 9.10 एम्पियर के समथिंग आ रहे हैं यहाँ पे 10.5, और बैटरी पे हमारी चार्ज होने लगी है 11.5। देखिए फ्रेंड धूप अच्छे से निकल गई है क्योंकि टाइम दिन के 4 बजे है, तो लगभग 12 एम्पियर के समथिंग आ रहे हैं, देखिए 12 एम्पियर के समथिंग आ रहे हैं, और वोल्टेज आ रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 12 एम्पियर के समथिंग आ रहे हैं, और यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं 33.6 वोल्ट। ये फ्रेंड दिन के 4 बजे परफॉर्मेंस है। देखिए 32 एक बार फिर से हम देख लेते हैं, देखिए 11.1 एम्पियर, 11.5 एम्पियर, 11.9 एम्पियर, लगभग 12 एम्पियर के समथिंग आ रहे हैं, और वोल्टेज आ रहे हैं 34.1 वोल्ट। देखिए यहाँ पे और मैं दिखाता हूँ फ्रेंड आपको, 27% अभी लोड चल रहा है, और यहाँ पे देखिए 6.1 एम्पियर से हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है। देखिए बैटरी का वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ, 6 एम्पियर से लगभग हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, और 13.1 वोल्ट अभी सोलर से आ रहे हैं। देखिए 13.1 वोल्ट पर हमारी बैटरी है, और 6.2 एम्पियर से लगभग हमारी बैटरी अभी चार्ज हो रही है, और साथ ही देखिए फ्रेंड यहाँ पे लगभग अभी 26% लोड चल रहा है, और यहाँ पे देखिए 32.8 वोल्ट आ रहे हैं, और साथ ही 13.2 एम्पियर आ रहे हैं। तो फ्रेंड लगभग 12.8 एम्पियर आ रहे हैं SPV से, 13.4, देखिए फ्रेंड एम्पियर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि धूप अच्छे से निकल रही होगी। देखिए यहाँ पे 13.2 एम्पियर तक पहुँच गए, देखिए यहाँ पे, और 32.4 वोल्ट अभी सोलर से आ रहे हैं। देखिए और दम देखिए 13.2 एम्पियर, और यहाँ पे देखिए 26% अभी हमारा लोड चल रहा है, और 6.5 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, 13.3 वोल्ट पे हमारी बैटरी है। तो फ्रेंड ये थी हमारे 1 किलो वाट सोलर सिस्टम की दिन के 4 बजे परफॉर्मेंस। देखिए 13.5 एम्पियर आ रहे हैं समथिंग, और यहाँ पे 13.5 वोल्ट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, ये था हमारा वीडियो।